हेलो गाइस, तो फाइनली आज मैंने जो है ब्लडी डैडी मूवी को जो है जियो सिनेमा पे बिल्कुल जो है फ्री में देख लिया है। और गाइस जो है अगर आपको भी देखना है तो आप जियो सिनेमा पे बिल्कुल जो है इसे फ्री में देख सकते हैं। गाइस जो है बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी को, तो गाइस जो है मेरे हिसाब से इस मूवी की कहानी जो है ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस जो है इस मूवी की जो कहानी है बिल्कुल जो है प्रिडिक्टेबल है। आप जो है जो भी इस फिल्म में जो भी घटना घटती है उसके आगे का जो है 10 या 15 मिनट की आप जो आगे की जो कहानी है आप बिल्कुल जो है सोच सकते हो, समझ सकते हो, यानी कि जो है आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, यानी कि उन लोगों के लिए मूवी जो है अच्छी नहीं होने वाली है जो ज़्यादा जो है ओवर स्मार्ट है, ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनके लिए मूवी जो है बिल्कुल सही नहीं है, वो नहीं देखेंगे तभी भी काम चल जाएगा। जी हाँ गाइस, तो बात करते हैं इस मूवी की पूरी कहानी, आपको बताएंगे क्या है इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जो है इस मूवी की शूटिंग बिल्कुल जो है एक ही होटल में किया गया है, और गाइस जो है इसमें जो है होटल से बाहर जो है बहुत ही, यानी कि जो है आप गिनती के एक आध सीन ही आप देखिएगा, बाकी पूरी की पूरी फिल्म जो है एक ही होटल में शूट कर दिया गया है। और साथ ही साथ एक ही नाइट की जो है पूरी कहानी है, यानी कि एक ही नाइट में पूरी फिल्म जो है खत्म हो जाती है। तो गाइस जो है इस फिल्म की जो है कहानी शुरू होती है हीरो के ड्रग्स चुराने से। जी हाँ गाइस, हीरो ड्रग्स चुरा लेता है विलेन का, लेकिन किसी कारणवश जो है पता चल जाता है विलेन को, उसके साथ साथ जो है विलेन जो है हीरो को फोन करता है, और हीरो का जो कुछ कीमती सामान जो विलेन के पास रहता है इस वजह से जो है हीरो को जो है एक दूसरे से एक्सचेंज करना पड़ता है। जी हाँ गाइस, विलेन बोलता है कि आप अपना कीमती सामान ले जाओ और मेरा जो है आप दे जाओ, ठीक है। और उसके बाद जो है हीरो और विलेन के बीच में लास्ट तक यही जो है मोमेंट चलता रहता है कि जो है बीच बीच में कुछ टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं और बीच बीच में आपको फाइट वगैरह सीन देख सकते हैं। उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सचेंज का ही काम जो है लास्ट तक चलता रहता है, और गाइस जो है बीच में जो है कुछ बहुत ही टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं जो कि वाकई में देखने में जो है मज़ा आता है। लेकिन गाइस जो है इसमें जो है आप फाइटिंग सीन देखेंगे तो उतना जो है आपको बेहतरीन नहीं लगेगा, हालांकि जो है शाहिद कपूर का जो जो इसमें एक्टिंग है काफ़ी ज़बरदस्त है और तारीफ़ें काबिल है। उसके बाद जो है ये मूवी जो है लास्ट तक जो है ऑडियंस को पकड़ रखती है, कहीं पे ऐसा आपको फील नहीं होगा कि आप जो है सिनेमा घर से जो है आप निकल के बाहर जाए या फिर जो है अपने मोबाइल को जो है थोड़ा देर के लिए जो है ब्रेक दें। जी हाँ गाइस, बिल्कुल आपने सही सुना। तो कुल मिलाकर इस मूवी जो है बहुत ही बेहतरीन है, और ज़्यादा कुछ जो है इस मूवी के बारे में जो है रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि जो है सब कुछ जान लीजिएगा तो फिर जो है कुछ इंटरेस्ट बचेगा ही नहीं जो इस मूवी को आप देखें, ठीक है। तो बाकी जो है इस मूवी को और देखने के लिए जो है और अधिक जानने के लिए आप इस मूवी को देखिए जियो सिनेमा पर, और गाइस जो है इसका आनंद लीजिए। मूवी ठीक ठाक है, आप इस मूवी को देखकर जो है एंटरटेन कर सकते हैं। और गाइस इस मूवी में जो है थोड़ी बहुत जो है गाली है, लेकिन जो है इसमें कहीं पे भी जो कोई न्यूडिटी नहीं है, और साथ ही साथ जो है इसमें जो है आप म्यूजिक भी जो है फिल्म के अनुसार ठीक ठाक है, यानी कि जो है इस गाने को आप जो है दोबारा गुनगुना नहीं सकते हैं, लेकिन जो जो सीन है उसके अनुसार जो गाना डाला गया वो परफेक्ट है और बिल्कुल जो है सही है। बाद बाकी आप इस फिल्म को देखिए और एंजॉय कीजिए। फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।